राहुल गांधी की घोषणा से भाजपा में घबराहट क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लगता है कि गलती से ही सही तीर निशाने पर जा लगा है। जब से राहुल गांधी ने गरीबों को 6,000 रुपए महीने देने की चुनावी घोषणा की है, तब से दोनों चुनावी कैंप में खलबली मची है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि उसने घोषणा की क्या है, उधर भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि इस घोषणा का जवाब कैसे दिया जाए। अगर भाजपा की घबराहट का कोई परिणाम चाहिए तो प्रधानमंत्री द्वारा आनन फानन में राष्ट्र को नाम संदेश देख लीजिए। सच ये है कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट को मारने की क्षमता विकसित करने पर सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा संगठन DRDO पिछले एक दशक से काम कर रहा था। पिछले सरकार के दौरान 7 मई 2012 को यह काम पूरा हो गया था और DRDO ने यह आधिकारिक घोषणा कर दी थी कि भारत ने लो ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराने की तकनीक हासिल कर ली है। जाहिर है कि इस घोषणा से पहले परीक्षण हुए होंगे, लेकिन चुपचाप। जाहिर है कि 2012 से अब तक भी परीक्षण का सिलसिला जारी रहा होगा। अब जो हुआ है वो सिर्फ इतना कि परीक्षण को जग जाहिर कर दिया गया है और प्रधानमंत्री ने चुनावों के बीच बीच राष्ट्र का नाम संदेश प्रसारित कर इस बाकी खबर को शेयर श्रेय लूटने की कोशिश की है। पद की मर्यादा और चुनाव की आचार संहिता गई भाड़ में। जाहिर है कि मोदी जी को दिख रहा होगा कि पुलवामा और बालाकोट के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का उफान कुछ उतर गया है। कांग्रेस के न्यूनतम आय की गारंटी योजना की घोषणा के बाद चुनावी चर्चा पर फिर बुनियादी मुद्दा की ओर मुड़ रही है। उधर रोजगार का सवाल भी दबाए नहीं दब रहा है। किसानों को इस बार भी सरसों और चनों के फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। गन्ने के किसानों को बकाया अभी बाकी है। ऐसे में जनता का ध्यान मोड़ने की एक और कोशिश जरूरत महसूस हुई होगी। हो सकता है कि चुनाव से पहला ऐसे एक और धमाका भी हो जाए। आखिर घोषणा है क्या? मजे की बात तो यह है कि न्यूनतम आय की गारंटी पर तीर चलाने वाली कांग्रेस को खुद पता नहीं कि उसने घोषणा की क्या है। पहले दिन राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी परिवार को 12,000 रुपए प्रति माह से कम आय है उसे बकाया राशि की भरपाई की जाएगी। अगले दिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि अलग अलग परिवार को अलग अलग राशि की भरपाई नहीं होगी, बस सबसे गरीब 5 करोड़ परिवार को सीधे हर महीने 6,000 रुपए दिया जाएगा। पहले कांग्रेस ने प्रवक्ता ने इशारा किया कि यह योजना को लागू करने के लिए गरीबी उन्मूल के कुछ अन्य योजनाओं में कटौती की जा सकती है। अगले दिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि गरीबों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं जैसे सस्ता राशन, मनरेगा, आंगनबाड़ी और प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि इस योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे। जाहिर है कि इतना बड़े खर्च के लिए कहीं न कहीं टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ने इस सवाल से मुंह चुरा लिया। यूं भी गरीबी हटाओ के नारे की हकीकत सारा देश जानता है। भाजपा के हालात। उधर भाजपा की स्थिति साफ छुचुंदर जैसी हो गई है। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि ये योजना तो हमारे समय से अरविंद सुब्रमण्यम ने सुझाई थी, कांग्रेस चोरी कर रही है। अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि भाजपा ने इसे लागू क्यों नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि यह योजना तो गरीबों को भिक्षा देने वाली है, उन्हें कम चोर बनाएगी। अगर ऐसा है तो भाजपा ने इसी बजट में हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए देने की योजना घोषणा क्यों की थी? क्या ये भिक्षा नहीं है? फिर वो कहते हैं कि ऐसी योजना में गरीबों की पहचान कैसे होगी। ये आपत्ति दर्ज करते समय भाजपा के प्रवक्ता भूल जाते हैं कि उनकी सरकार ने भी आयुष्मान भारत योजना घोषित की थी, जिसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों को चिन्हित करके प्रावधान किया था। अगर उस योजना में गरीबी को चिन्हित किया जा सकता है तो इस योजना में क्यों? भाजपा की परेशानी का आलम यह है कि उसने सभी आचार संहिता और मर्यादा को ताक पर रखते हुए सरकारी अर्थशास्त्रियों को कांग्रेस के खिलाफ उतारना शुरू किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार TV पर आयकर कांग्रेस के घोषणा का मजाक बना रही है। सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्यवाल कांग्रेस के कार्यक्रम में छेद गिना रहे हैं। किसी भी सरकारी अफसर की मर्यादा और चुनाव की आचार संहिता के हिसाब से उन्हें किसी राजनीतिक दस्तावेज या घोषणा पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि नोटबंदी के बाद से कोई भी समझदार अर्थशास्त्री भाजपा के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब उसे सरकारी अफसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। यह अर्थशास्त्री वित्तीय घाटा की दुहाई दे रहे हैं। सच ये है कि इस साल बजट में भाजपा ने भी ठीक वही काम किया जिसका आरोप वह कांग्रेस पर लगा रही है। यूं भी देश के आम जनता को वित्तीय घाटे जैसी बारीकियों से कोई लेना देना नहीं है। सच यह है कि राहुल गांधी की इस घोषणा से गरीबी में एक सर्जिकल स्ट्राइक हो ना हो, इस चुनाव का चर्चा ठीक दिशा में मुड़ गया है। दिल्ली दरबार के सत्ता के खेल और TV चैनलों को TRP के दौर के बीच अचानक एक फतेह हाल गरीब खड़ा हो गया, जो चुनाव के 2 हफ्ते पहले एक तरफा नजर आ रहा था वो अचानक खुलने लगा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।